जिसकी ड्यूटी लगी है मैच को शुरू करा दो, फिर फाइनल ले पाएगा। निर्भय की बिल्कुल टीम है, मैच शुरू कराओ दलाल साहब। मैं वही कह रहा हूँ। मानिए प्रमोद जी, टीटी साहब प्लीज, अपने समय के बड़े स्टार खिलाड़ी रहे, चाहे सत्यवान जी, सत्य की बात है, दोनों की ऑलराउंडर की बड़ी जोड़ी होती, इंडोर एशियन गेम के मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं दर्शक साथियों, भारतीय जो बहुत बड़ा विभाग है हिंदुस्तान का, रेल विभाग, उसमें कार्यरत हैं, पानीपत में और चंडीगढ़ में दोनों साथी। चलिए आशीष कुमार नरवाल, दलाल साहब आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यू से आप बिल्कुल कमेंट्री करेंगे इस मैच की, माफी चाहूंगा, आप बहुत अच्छे उत्तरी भारत के मानने जाने कमेंटेटर हैं, आप खेल और खिलाड़ियों के बारे में भलीभांति अच्छी तरह से जानते हैं। सुरेश दलाल जी, डीपी गवर्नमेंट हाई स्कूल खरेंटी, जिला जींद, तहसील जुलाना। पहला पॉइंट मिला है यूपी योद्धा को, चला सुरेंद्र गिल, गांव खरेटी, जिला रोहतक वाला, जिला रोहतक के खरेटी गांव का सपुत्र है सुरेंद्र गिल, 19 नंबर की जर्सी में। और पॉइंट मिल गया है रेड में, मंजीत अगवानपुर से स्कोर लेके चला गया सुरेंद्र गिल। मैच अच्छा होगा, लेकिन पहले एक डेढ़ मिनट में यूपी योद्धा ने 2-0 की लीड बना ली है, जो जीतेगी वो टीम पाई के साथ मुकाबला होगा। कवर पे टच का प्रयास रेडर के द्वारा, लेकिन यहां बहुत ही डिसिप्लिन, ओहो हो, अब फिलहाल डिस्टर्ब लग रही है मेरे को टीम बनवासा, 3-0। अब आएगा विनोद कुमार, 14 डॉट, टीम का दमदार योद्धा। चाहे गांव की बात है, चाहे खाप की बात है, चाहे सोनीपत की बात है, चाहे आर्मी की बात है, चाहे जाट रेजिमेंट की बात है, या 14 जाट की बात है, हमेशा कैप्टन के रूप में कार्य करता है, और आज अपने छोटे छोटे भाइयों में शामिल होके या सेमीफाइनल मुकाबला खेला है, लेकिन जो जीतेगा वही सिकंदर माना जाएगा, समय बहुत बाकी है। अब चलेगा जिला पानीपत के सुताड़ा गाँव का बेटा है, और बलकार सिंह जी हमारे बीच में है, हरियाणा पुलिस के एसआई साहब, सर आपका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है, बिल्कुल बहुत अच्छे खेल प्रमोटर हैं बलकार सिंह जी, हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिनसे आपका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है, आप मंच पर आइए माननीय बलकार सिंह जी। अमन, अमन आ गया है, श्रीनगर जम्मू में अमन चयन हो गया है, और यह अमन कबड्डी वाला है, लेकिन यूपी योद्धा ने योद्धा की तरह गेम खेल दिया है, बहुत ही तकड़ी कैच, चला सुरेंद्र गिल, बैठा लो जी, चंद मिनटों में रसीद नीचे बैठा। हमारे इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे, बिल्कुल वो चारों टीमों के अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे इनाम देकर, चाहे 51,000 रुपए की धनराशि की बात है दलाल साहब, चाहे 31 की बात है, चाहे 16-16 32,000 की बात है, दलाल साहब चलिए सर। धन्यवाद सर। अब आ गया सुभाष नरवाल, जो फिलहाल लेट पर है सुभाष नरवाल। अब चलेगा रोहित बागपत, यूपी से है ये खिलाड़ी भाई, बागपत का रहने वाला यूपी से, रोहित कुमार 40 नंबर में। बिल्कुल बागपत की बात है, बिजनौर की बात है दलाल साहब, बड़े अच्छे खिलाड़ी, राहुल चौधरी जैसे हिंदुस्तान को खिलाड़ी दिए हैं, बिल्कुल जो दमदार योद्धा रहे हैं, संजीव कुमार अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहे हैं जो हिंदुस्तान को दिए हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की जनसंख्या, ब्राजील देश और इंडोनेशिया देश के बिल्कुल बराबर है उस प्रदेश की। और संजीव कुमार एक ऐसा रेडर है हिंदुस्तान में जो दोनों तरफ से, दोनों साइड से सेम रेड करता था, दूसरा खिलाड़ी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर से भी राइट कॉर्नर सेम खेलता था, अर्जुन अवार्ड हो जाती तो उधर से खेलता था। भारत सरकार ने उनको मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन होता है 29 अगस्त है, उसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, राजीव गांधी खेल पुरस्कार वो दिया जाता है, और वो अर्जुन अवार्डी हैं संजीव कुमार जी यूपी से, बिल्कुल इंडियन रेलवे में सीटीआई के पद को सुशोभित कर रहे हैं, 3 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, बिल्कुल कोशिश की, फिर बहुत अच्छा खिलाड़ी, 9 नंबर की जर्सी, बनवासा जिला सोनीपत जी। अनुज सुताड़ा ने रेड खाली लगाई है, सुरेंद्र
गिल, अनुज सुताना, रोहित बागपत, तीन रेडर यूपी योद्धा ने अपनी तरफ से रखे हैं स्पेशल। अरे 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 बहुत डीप मैच लगा था रेडर, जिसका फायदा उठाया यूपी की टीम ने, चला सुरेंद्र गिल। बिल्कुल है दलाल साहब, मैं यहाँ के साथियों को अनुरोध भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, राणा साहब आपके क्षेत्र में खेल गतिविधियां बिल्कुल, खिलाड़ी बहुत कम भाग देते। जब मैंने पीछे लिखा था 1523 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने कैश अवार्ड दिया था नराता राम जी, राणा साहब, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है पंचकूला जिला को सिर्फ एक ही खिलाड़ी बांटे आया था, उसने 30,000 रुपए की धनराशि जीती थी, और हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कैश अवार्ड सोनीपत जिले को 236 खिलाड़ियों को 18,90,000 रुपए की जो धनराशि जीतने का काम किया, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मैं अनुरोध प्रार्थना करूंगा यहाँ पर, चाहे सेमिनार के माध्यम से, चाहे मोटिवेट करके, चाहे अच्छे कोचों की नियुक्ति करके, बिल्कुल प्रतिभा किसी में कम नहीं होती, सिर्फ मोटिवेट करने की होती है। अनुज सुताना के लिए थर्ड एड है, जिला पानीपत का अच्छा खिलाड़ी, लेकिन आज यूपी 18 करोड़, माफी चाहूंगा मैं, 18 करोड़ 90 लाख रुपए माननीय गुरु जी, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि कई करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने दी थी, और 1 करोड़ का इसी खेल का जो मैच है गुरुग्राम गुड़गांव में, 1 करोड़ का दंगल की बात है, चराई सोनीपत में 1 करोड़ की कबड्डी की बात है, और चाहे 18 से 21 मार्च को जींद में 1 करोड़ की कबड्डी की बात हरियाणा सरकार ने करवाने का काम किया था। मैं आपसे अनुरोध प्रार्थना निवेदन करूंगा, यहाँ जी कैंप लगाकर खिलाड़ियों को मोटिवेट करें, क्योंकि खेल एक सबसे बड़ा एक माध्यम अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। और यह है मंजीत का शानदार कवर, ताली मारो। दिल्ली की टीम में, दिल्ली दबंग की टीम में भी ऐसा ही खेलता है, और अब सुरेंद्र गिल को बिल्कुल ऐसे कवर किया, देखने लायक कैच। 5 और 10 का स्कोर, बनवा साहब 5 यूपी योद्धा 10, ओ अब हो गए 5 और 2 7। यह है मैच का नजारा, टाइम आउट 2 बनवासा, जिला सोनीपत, चेंज लिया है अंकुश को ग्राउंड में लिया गया, जो जगदीश का सपुत्र है, जगदीश इंस्पेक्टर सीआईएसएफ, 2002 भूषण के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रहे हैं, इनका बड़ा भाई दीपक नरवाल भी प्रोगा स्टार खिलाड़ी है, जो पटना की तरफ से खेलता है। अब आ गया अंकुश, रेडर पर दाव खेला है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी बचता है तो टीम के पास एक ऑप्शन होता है, बे आखिर में ये हो जाए तो फायदा मिल जाए। बोनस की ट्राई, अब ट्राई होगी, आहा ले आ, ये 2 पॉइंट, 1 बोनस 1 टच स्कोर, 2 पॉइंट का इजाफा, 2 ही टाइम आउट मिलेंगे कोच साहब, 2 टाइम आउट मिलेंगे सिर्फ 1 हाफ में, इस चीज का कोच साहब आप ध्यान रखेंगे, और दोबारा जब आप उसकी दावा ठोकेंगे तो आपके खिलाफ पॉइंट जा सकता है। हाँ, नीचे बैठो खिलाड़ी, 2 मध्यांतर से पूरा, 2 मध्यांतर के बाद 1 टीम के 4 टाइम आउट हैं, बिल्कुल, और टाइम आउट का समय 30 सेकेंड। अच्छी ट्राई नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा, लेकिन एम्पीरे, और देखिए दलाल साहब चंद ही मिनटों में हमारे बीच में आज के इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एवं चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, बनवासा टीम अगर यहां लौना करती है तो बराबरी पर मैच आ जाएगा, क्योंकि नेशनल स्टाइल में हर एड पर मैच की तस्वीर बदल सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। 1 बनाम 2 कैच हुई तो सुपर टैकल हो जाएगा, पॉइंट मिला दो इजाफा हो जाएगा, और देखिए अब शायद बराला साहब के स्वागत के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, वो 2, 4 या 5, 10 मिनट में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। दर्शक भाइयों से अनुरोध प्रार्थना गुजारिश रहेगी, जैसे बरवाला साहब यहाँ पहुंचे तो आप तालियों से मेहमान का स्वागत करना। अमन, आ क्या बात है,
बहुत तगड़ी डाई लगाई है भाई, बहुत ही तगड़ी डाई। थड़ेड अनुज सुताना थड़ेड पर, बैगुड सुभाष का कवर है ये, सुभाष नरवाल का उन्हें नाना। अब आएगा भोला, प्यार से भोला कहते हैं, आशीष कुमार है 22 नंबर में। एक बनाम दो की फिर लड़ाई होगी, लड़ाई का मतलब है कंपटीशन। और दो सुपर टैकल लगातार यूपी ने किए हैं, जिसका फायदा मिलेगा। रेड एक बाहर जाएगा, पॉइंट दो मिलेंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है दोस्तों। भाई देखिए, मैच समाप्त होते ही फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। पाई की टीम को बुलाओ दलाल साहब, पाई की टीम को बुला लो। ये तीस चलो कोच साहब जल्दी करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब दो टाइम आउट कंप्लीट हुए, अंकुश आ गया है। आठ बनवासा 16 यूपी योद्धा फिलहाल का स्कोर। थड़े ये अंकुश है भाई, दीपक नरवाल का भाई है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसके पिताजी जगदीश जी सीआईएसएफ के कोच हैं, 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, कतूरा जिला शौनीपात। और मैं पुण्य नमन करूंगा हमारे साथियों को, भाई सत्यवान सत्य को, प्रमोद जी टीटी साहब को, मोहित मलिक को, जोरा सिंह जी को, विनोद चौहान जी पंचकूला को, जिन्होंने खेल समिति का बड़ा सहयोग साथ देने का काम किया। चाहे जगबीर जी दैया टीटी साहब की बात है, माननीय संदीप टीटी साहब की बात है, डॉक्टर अमन की बात है, बड़ा सहयोग साथ दिया है। बड़े बधाई के पात्र हैं भाई सत्यवान सत्य टीटी चंडीगढ़ में कार्यरत, चाहे प्रमोद जी टीटी साहब की बात है। बिल्कुल कुलदीप जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा टीटी साहब का। और हमारे बीच में पहुंच चुके हैं आज के हमारे इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में चंद ही मिनटों में माननीय श्री सुभाष बराला जी, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में होंगे चंद ही मिनटों में। वो पहुंच चुके हैं, बिल्कुल चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे। खेल समिति के सदस्य उनके स्वागत की तैयारी में बिल्कुल प्रवेश द्वार पर, चाहे फूल मालाओं की बात है, ढोल नगाड़ों की बात है, बिल्कुल तैयार हैं अपने बिल्कुल काफिले के साथ। माननीय श्री सुभाष बराला जी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश, बिल्कुल चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे। रोहित बागपत थर्ड पर है 40 नंबर में, और साथ में हमारी अक्षेत्र की पूर्व विधायिका श्री लतिका शर्मा भी साथ में होंगी। सुपर टैकल हो गया, खिलाड़ी बगैर टच लोबी में चला गया है। बिल्कुल है दलाल साहब, हमारी खेल समिति के द्वारा आए हुए अतिथियों, मुख्य अतिथि का, अतिथियों का बिल्कुल फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है प्रवेश द्वार पर। दो बनवासा एक यूपी,
थर्ड एड पे है विनोद नरवाल। और सुभाष बराड़ा जी हमारे बीच में बिल्कुल पहुंच रहे हैं, हमारे खेल क्लब के सभी सदस्य उनका स्वागत अभिनंदन अभिवादन कर रहे हैं और साथ में हमारी पूर्व में विधायक आ रही श्रीमती लतिका शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारत। भाई जोरदार तालियां लगाई आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए जो हमारे बीच में पहुंचे, माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन अभिवादन है और बिल्कुल सारी की सारी युवा साथियों की टीम उनको स्वागत अभिनंदन अभिवादन कर रही है। साथ में हमारी महिला की उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती लतिका शर्मा भी साथ में है और हमारे सभी खेल क्लब के सदस्य। सुपर टैकल, सेल्फ आउट, फिर हो गया रोहित कुमार। हाफ टाइम दलाल साहब जी, हाफ टाइम कुश्ती दंगल कमेटी खड़ा पत्थर हमारे खेल क्लब को 2100 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय सुभाष बराड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता हमारे इस क्षेत्र में जो हरियाणा प्रदेश की एकमात्र शिवालिक की पहाड़ियां पंचकूला जिला उसमें चली हुई, दो दिन से यहाँ पर 40 टीमों ने भाग लिया और हरियाणा प्रदेश की बहुत अच्छी टीमों ने, चाहे हिमाचल की बात है चाहे दिल्ली की बात है, पहुंचकर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और बड़ी बधाई की पात्र हमारी खेल समिति इस सर्दी के मौसम में सभी खिलाड़ियों के लिए, ऑफिशियल के लिए, जो चाहे खाने की व्यवस्था चाहे रहने की व्यवस्था अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं नमन करूंगा विनोद राणा जी पत्तन, प्रदीप नंबरदार जी दमदमा, नरेश सरपंच जी शर्मा साहब पत्तन, कृष्ण शर्मा जी पत्तन, विनोद चौहान जी पंचकूला, मोहित मलिक जी पंचकूला, जोरा सिंह जी पंचकूला, काकू दमदमा जी, शिव शंभू जी इस्लामनगर, महिमा दत्त जी पत्तन, जीतराम शर्मा जी भोरिया, प्यारे लाल जी पहलवान जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जिला पंचकूला के, संजीव कौशल जी और मंडल जो हमारे अध्यक्ष माननीय नराता राम जी राणा और माननीय हरीश मोंगा जी, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। बहुत अच्छी हमारी खेल समिति है और पुनः बराड़ा साहब आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन अभिवादन करते हैं। बनवासा 14, यूपी योद्धा 24 हाफ टाइम स्कोर। और दलाल साहब देखिए हमारा खेल क्लब रायतना क्षेत्र की ये सारी खेल समिति आए हुए अतिथि का बिल्कुल स्मृति चिन्ह की बात है चाहे सिरोपा की बात है देकर सम्मानित कर रहे हैं आज के हमारे इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुभाष जी बराड़ा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, उनका छत्र के द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह के द्वारा, हमारे क्लब के सभी पदाधिकारी साथ में है। और भाई थोड़ा सा स्कोर में गलती हो गई थी हमारे से, 21-14 न कि 24-14, 21-14 अब हो गए 22-14। और बलकार सिंह जी सारण एसआई साहब भी हरियाणा पुलिस हमारे बीच में पहुंचे हैं, सर आपका भी स्वागत है अभिनंदन अभिवादन है और ये मान सम्मान किया जा रहा हमारे प्रदेशा पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष जी बराड़ा। और तरसेम गुप्ता जी, रौनक मार्ग से माननीय तरसेम गुप्ता जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत अभिनंदन अभिवादन है सर। पूर्व अध्यक्ष कृष्ण, पूर्व एमसी कृष्ण कुमार जी लंबा, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। और ये बिल्कुल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा 82,000 का, बिल्कुल यानी कि 82,000 रुपए का फाइनल मुकाबला। प्रथम स्थान पर जो टीम आएगी 51,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 31,000 रुपए और ये सभी आए हुए अतिथियों का मान सम्मान किया जा रहा हमारे खेल क्लब के द्वारा, सिरोपा देकर और स्मृति चिन्ह देकर मान सम्मान दिया जा रहा है।
बिल्कुल धन्यवाद करते हैं बराड़ा साहब, हमारे बीच में पहुंचे। आज हरियाणा प्रदेश किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे खेल का मैदान हो। बिल्कुल अपनी उपलब्धियां, 1-1 करोड़ की धनराशि की यही कबड्डी आपने जींद में और राई स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में करवाने का काम किया, चाहे 1 करोड़ के दंगल गुरुग्राम गुड़गांव की बात हो, आप और आपकी सरकार ने करवाने का काम किया। और समस्त भारत में बराड़ा साहब प्रिय प्रदेश हरियाणा एक ऐसा प्रदेश आपका जहां अर्जुन अवार्ड, चाहे भीम अर्जुन अवार्ड की बात है, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात, इनसे अलग 6 पुरस्कार अकेले हरियाणा में दिए जाते हैं। मैं लोगों एक बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, चाहे एकलव्य अवार्ड की बात है, 5 खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। महाराणा प्रताप अवार्ड है, पुरुष वर्ग में दिए जाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, महिला वर्ग में दिए जाते हैं। चाहे विक्रमादित्य अवार्ड की बात है, चाहे गुरु वशिष्ठ अवार्ड की बात है, और हम जैसे डीपीपीटियों के लिए भी अवार्ड की बात है। ये एक सच्चाई है, 6 अवार्ड हरियाणा सरकार खिलाड़ी हमारे बिल्कुल खिलाड़ियों को और गुरुओं को देने का काम करती है। मैं धन्यवाद करता हूं सारा। वीरेंद्र राणा जी जिला महामंत्री हमारे बीच में पहुंचे हैं, सर अब आपका स्वागत है, उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है। हमारे खेल क्लब संजीव कौशल जी जो उपाध्यक्ष हैं, और छोटी बाबा जी सूरजपुर से, वो भी हमारे बीच में है, सुबह से ही बड़ा सहयोग साथ दिया, पहले मैच का विधिवत रूप से जिन्होंने शुभारंभ किया। और वीरेंद्र जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे खेल क्लब के सभी पदाधिकारी सिरोफा के द्वारा। बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है हमारे बिल्कुल हरियाणा प्रदेश। ये कबड्डी बिल्कुल 2016 में बराड़ा साहब जो वर्ल्ड कप हुआ, मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपकी सरकार का। वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने जीता, 14 में से 9 खिलाड़ी अकेले हरियाणा प्रदेश के, बिल्कुल ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रो कबड्डी के जितने मैच चले हुए उसमें से 105 खिलाड़ी अकेले हरियाणा प्रदेश के विभिन्न टीमों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। बिल्कुल आए हुए अतिथियों का मान सम्मान मंच के माध्यम से हमारी खेल समिति रायतन की भी जो पाई की टीम मैदान पर आ जाए भाई, और जो इसमें से टीम जीतेगी उसको यहीं पर रख लेंगे, क्योंकि ओस लगने के कारण मैच नहीं होंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंडोर खेल है ये, मिट्टी पर तो हो जाते हैं लेकिन ओस पड़ने के कारण स्लीपिंग होगी, खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हम जो टीम जीतेगी उसको यहीं पर रख लेंगे, प्लीज पाई जिला कैथल की टीम आ जाए। मैं जो सुरजीत नरवाल की टीम है जो सेमीफाइनल में लूज किया था, मैं अनुरोध करूंगा सुरजीत नरवाल जी आ जाए, ये वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है भाई। दर्शक साथियों माननीय बराड़ा साहब, इन्होंने हिंदुस्तान के लिए 2016 में अहमदाबाद गुजरात में वर्ल्ड कप जीता, और ये बिल्कुल सेमीफाइनल में टीम हार गई। 16,000 रुपए की धनराशि से इस टीम को सम्मानित कर रहे हैं सुरजीत नरवाल, कथुरा जिला सोनीपत। इंडियन नेवी की टीम थी सर ये, यहाँ पर खेल रही थी। बिल्कुल आज के मुख्य अतिथि के हाथों से माननीय सुभाष बराड़ा जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, साथ में हमारी कालका की पूर्व विधायिका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश माननीय श्री लतिका शर्मा जी, 16,000 रुपए की धनराशि जो इंडियन नेवी की टीम हमारे बीच में पहुंची थी उसको देकर सम्मानित करते हुए। और इनमें से जो टीमें लूज करेगी उसको 16,000 रुपए, और जो टीम जीतेगी 82,000 रुपए का फाइनल मुकाबला पाई के साथ होगा। रामपाल सोडी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सोडी साहब का यहां पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। यूपी योदा 19 बनवासा फिलहाल का स्कोर 19-30, जो जीतेगा पाई के साथ फाइनल खेलेगा। अब हो गए 19 से बढ़ के 20। बिल्लू टिब्बी का यहां पहुंचने पर स्वागत है, बिल्ला चपार उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा आप मंच पर आइए, बिल्ला चपार और
बिल्लू टिब्बी, दोनों साथियों से अनुरोध है सर आप मंच पर आइए। और बलकार सिंह जी मेरे भाई हैं, बिल्कुल आपका स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। सहारण साहब वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मंच पर आइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकाबले चलते हुए, और बराड़ा साहब हमारी खेल समिति के एक छोटी सी मांग भी कह लीजिए, एक बिल्कुल इन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र में यहाँ पर मैदानों की कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी अर्थ फीलिंग करवा के इस क्षेत्र में इस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देने के लिए खेल मैदानों की बड़ी जरूरत है। यहाँ पर एक अखाड़ा चलता है, उसमें एक भी उसकी सुधार की जरूरत है। अच्छे कोचिज और खेल मैदान तैयार करके हरियाणा सरकार के द्वारा इस क्षेत्र का भी सहयोग साथ दिया जाए, ये हमारी इस खेल समिति की पूरी मांग है। यहाँ पर अच्छे से अच्छे खेल मैदान और अच्छे कोचिज की व्यवस्था करके बिल्कुल ताकि इस क्षेत्र को खेलों के प्रति और सुधार किया जाए, क्योंकि जब भी आपकी सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि का जो कैश अवार्ड दिया गया था, इस जिले के कम खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म कम मिलने के कारण। चाहे अच्छे खेल मैदानों की बात है, चाहे अच्छे कोचिज की बात है, सर आपसे ये एक भरपूर सारे हमारे क्षेत्र की एक मांग भी है। थर्ड एड सुरेंद्र गिल के द्वारा, थर्ड एड पहले रेड पर 42 और 44 नंबर दोनों एक एक आउट हुए। और जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई, मेरे क्लास फेलो है भाई पप्पू, आप भी आइए प्लीज। पप्पू खराब है बिल्कुल, पहलवान है भाई, बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और बिल्लू टिब्बी और बिल्ला चपार 3100 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को दे रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ एक बेंच पर बलकार सिंह बैठकर हमने शिक्षा प्राप्त की है भाई। बिल्लू हमारे पप्पू खरब ने, मेरा 1105 रो नंबर था, इसका 1106 था, मुझे पता है प्रैप में। बिल्कुल मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी आइए, आप भी मंच पर आइए। बिल्लू भाई पप्पू खरब साहब, ये 5 और 6 रो नंबर की बातें काफी देर से सुनते हैं, कई सालों से सुनते हैं, आज भी याद है। और ये कंप्यूटर जी की बात है, लेकिन यहाँ मैच लगभग फंस चुका है, अगर यहाँ लोना लगा तो मैच फंस जाएगा। हाँ जी, 24 बनवासा 32 यूपी योद्धा, देखिए दलाल साहब 24-32 जो हमारी गणेश पर भोरिया पत्तन की जो खेल समिति है रायतन के क्षेत्र की, इसकी जितनी बढ़ाई की जाए कम है। 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर जिन्होंने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी एक प्रो कबड्डी की तरह पर यह प्रतियोगिता करवाई, और शराब हो गया 28 और 32 ताली मार दो। और देखिए दलाल साहब, माननीय बराड़ा साहब, इन्होंने रात्रि के 12 बजे भी खिलाड़ियों को चाहे ऑफिशियल को संभाल कर उनको बिल्कुल, चाहे अच्छे खाने की बात है, चाहे उनको रहने सहने की बात है, किसी को बिल्कुल सभी को मान सम्मान और प्यार देने का काम किया। बिल्कुल बहुत बधाई की पात्र हमारी जो सारी खेल समिति है। और बिल्कुल इनकी एक मांग भी इस क्षेत्र में, यहाँ पर मैदानों की कमी है, थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, हरियाणा सरकार के द्वारा आपकी सरकार के माध्यम से थोड़ी सी अर्थ फीलिंग करवा के जहां भी अच्छे मैदानों की बिल्कुल स्पेस बनता करवाएं और अच्छे कोचिज, ताकि ये जिला भी खेलों में मुख्य धारा में जोड़कर एक हरियाणा प्रदेश में इन हिंदुस्तान में बिल्कुल खेलों में अपना नाम चमकाने का काम करे। बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूं बराड़ा साहब इस बात को, खेल समिति के ये मांग है बिल्कुल मेरे माध्यम से जो घोषणा करवाई गई है, मैं आपसे अनुरोध प्रार्थना भी करता हूं। बिल्कुल हमारे क्षेत्र की शान है, पहचान है, बराड़ा साहब का दिल बड़ा विराट है। मैंने भी कई प्रोग्राम इनके हरियाणा प्रदेश में, चाहे इनके क्षेत्र में, देर गांव की बात है, चाहे कन्नड़ी जिला फतेहाबाद की बात है, चाहे समैन जिला फतेहाबाद की बात है, हर जगह इनके मंच को साझा करने का काम किया, बिल्कुल हर जगह मान सम्मान और प्रेम देने का काम किया है। सुमित बैसवाल गाड़ी के पास जाए, लगभग 4.5 मिनट है, 4 पॉइंट का अंतर है दोस्तों, ताली मार दो, खुश है ताली मार दो। हमारे बीच में पत्रकार 29 और 32 डीपी साहब, मैच का मजा लीजिए, स्वाद कबड्डी का। बिल्कुल हिंदुस्तान का हमारा अपना खेल है। और जो हमारे बीच में पत्रकार पिंकी महोदया पहुंची है, उनका स्वागत अभिनंदन अभिवादन है, माफी चाहेंगे।
और मंच पर आइए, आपको खेल क्लब सम्मानित करने जा रहा है। एक स्तंभ है, एक कड़ी है, बिल्कुल अक्षेत्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, और चाहे समस्याओं को भी उठाकर जन जन तक आप पहुंचाने का काम करते हैं। मैडम पिंकी को सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह और सिरोपा देकर, भाई देखिए इतने मैच हो लिए, 46 टीमों ने भाग लिया, इतनी बहस मत कीजिए। ये आप देखिए, जो भी आपने अपील करनी, गरिमा में रहकर मैंने बताया इनकी जेबों में 3 कार्ड हैं। सर समझा दिया, टीम मान गई। बाहर तो 3 दिन में जाएगा जी, बाहर से परसों नहीं होता, परसों वही होता है। आप रेड करो रोहित, रेड करो। आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, सुनो सुनो, ऐसे करोगे तो परसों लगेगा ही नहीं, टेक्निक खत्म ही हो जाएगी फिर ये। हाँ सर, 30-33, 30-33 का स्कोर है ना, 30-33, ठीक है, 30 बनवासा, 33 यूपी योदा, रोहित बागपत 40 नंबर की जर्सी में रेड पे है। बोनस की ट्राई, आखिरी 3 मिनट, और 3 मिनट पहले बोनस मिला यूपी योदा को, 30-34 का स्कोर चल रहा है, जबकि 3 मिनट का समय शेष है। दोस्तों बहुत तगड़ी टूर्नामेंट यहां पे कराई गई, 46 टीमों ने भाग लिया, और खाने का रहने का भाई राणा साहब ने कमाल किया, हर व्यक्ति की यहाँ अच्छी सेवा की, धन्यवाद करते, और भाई हिंदुस्तान के टॉप क्लास के खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। आप हो गए 35, 30 और 35, जो टीम पर आप खिलाड़ियों को देखते हैं आज यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का, टीमों का धन्यवाद है। 30-35 का स्कोर चलता हुआ, लगभग 2.5 मिनट का समय शेष है दोस्तों, फिर फाइनल मुकाबला होगा पाई जिला कैथल वर्सेज इस मैच का विजेता के साथ। आखिरी 2 मिनट बाकी इस मैच की, यूपी योद्धा जो हिंदुस्तान का जनसंख्या की दृष्टि से 22 करोड़ का प्रदेश है, एक तरफ हमारी बनवासा जिला सोनीपत का गांव की टीम है, दोनों टीमों में प्रो कबड्डी के बिल्कुल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सत्र के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बधाई की पात्र हमारी सारी खेल समिति, माननीय विनोद राणा जी पत्तन, प्रदीप नंबरदार जी दमदमा, नरेश शर्मा जी सरपंच पत्तन, कृष्ण शर्मा जी पत्तन, विनोद चौहान जी पंचकूला, मोहित मलिक जी पंचकूला, जोरा सिंह जी पंचकूला, काकू दमदमा, शिव शंभू जी इस्लामनगर, महिमा दत्त जी पत्तन, जीतराम शर्मा जी भौरिया, प्यारे लाल जी पहलवान, और हमारे जिला पंचकूला के उपाध्यक्ष हैं संजीव कौशल जी, मंडल जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय नराता राम जी राणा, और मंडल मंत्री हैं माननीय श्री सुनील वर्मा जी, मंडल महामंत्री हरीश मोंगा जी, वीरेंद्र कुमार जी, सभी का यहाँ मैं पुनः स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था इस क्षेत्र में, इस रायतन क्षेत्र में जो करने का काम किया। दलाल साहब सर चलिए, धन्यवाद सर। लास्ट मिनट टू प्ले, खेल के आखिरी मिनट जारी है, और 4 पॉइंट की मेरे हिसाब से यूपी योद्धा की लीड है, शायद 31-35 का स्कोर है, यस 31-35, 31-35 इन फेवर ऑफ यूपी योद्धा, आखिरी मिनट का खेल चला हुआ है, उसके बाद फिर पॉइंट मिलेगा यूपी को। लगभग लग रहा है यूपी योद्धा की टक्कर पाई से होने वाली है, और मैच समाप्त हुआ, पाई और यूपी योद्धा का फाइनल होगा। ताली मारो दर्शक वीरो एक बार, ठीक 5 मिनट के बाद फाइनल है भाई, 5 मिनट का बाद, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है, ठीक 5 मिनट वापिस आ जाएंगी टीमें।